सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूज़पेपर ठीक है जी जो एट्थ जुलाई है तो यहाँ पे हम जो करंट अफेयर है प्री परस्पेक्टिव वो सारे देखेंगे आज ओके तो यहाँ पे एक एक पूछा है मिनाल ने कि अटैच कर दो सर ये टेलीग्राम के ऊपर तो मैंने बोल दिया है तो आई होप के एक या दो दिन के अंदर आज ही हो जाएगा वैसे तो ज़्यादा चांसेस हैं और वहाँ पर जो आपको पी है वो टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ पेपर वाइज देखें तो तीन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है द हिंदू के अंदर दो इंडियन एक्सप्रेस एक अपना पीआईबी के अंदर अगर यहाँ पे देखें तो एन्वायरमेंट के अंदर ये सारा आज थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है उसके बाद जोग्राफ़ी देन इकॉनमी पॉलिटी आई उसके बाद इकॉनमी डे फोर यहाँ पर एक जो अभी रिसेंटली अभी जो कैबिनेट के अंदर रीशफल हुई है उस टॉपिक को पेंडिंग रखा है उसको एडिटोरियल के अंदर कवर करेंगे थोड़ी सी डिटेल वहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्या क्या वहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है तो इसीलिए उस टॉपिक को मैंने छोड़ा छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पे ये यह वाला टॉपिक है तो इसको हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल की क्लास के अंदर ठीक है उसके अलावा यहाँ पे ये यह सब न्यूज़ के अंदर था यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है पैगसस ठीक है जी स्पाईवेयर क्योंकि यू पी एस सी आपको एग्जाम्पल पूछती है मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपको दो चीज़ों की जो टाइप है जैसे करेंसी के नाम क्या क्या है उसके बाद जो मालवेयर वगैरह हैं इनके नाम क्या क्या है ठीक है ये दो आपने ध्यान में रखने हैं तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल एक भी है ठीक है जी बीमा कोरेगाओं केस के इसके अंदर भी जैसे बहुत सारा इसका यूज़ किया गया ठीक है बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको ट्रैप करने के लिए तो ये एक आप एग्जांपल मेंस के अंदर कोट कर सकते हो अदरवाइज प्री के लिए आपको क्या याद रखना है इसका नाम याद रखना है बस कि ऐसा ना हो कि आप सोचो कि ये कोई क्रिप्टो करेंसी है ठीक है बस इतना याद रखना है दैन तालिबान अगेन यहाँ पर कुछ है नहीं ज़्यादा तालिबान हमने जो भी वहाँ पे उनकी डील है वो डिस्कस काफ़ी डिटेल के अंदर कवर कर चुके हैं ये एक एग्जाम्पल यह कि तालिबान और भी एक्सपेंड कर रहा है बाद में एक या दो महीने बाद में क्या यहाँ पे डील होती है या फिर कुछ क्या निकल के आता है एक बार उसको अपडेट हम कर लेंगे ठीक है दोस्तों चलिए तो यहाँ पे पहला टॉपिक करते हैं ठीक है जी फर्स्ट है ब्लैक लेपर्ड मेलानिस्टिक लेपर्ड एंड ब्लैक पेंथर ये नाम एक के ठीक है थीके? जैसे लेपर्ड है लेपर्ड के अंदर अगर कुछ जो उसकी स्किन कलर है उसके अंदर चेंज आए है ना ऐसे ही अगर क्लाउड टाइप वहाँ पे स्किन के अंदर हमें विजिबिलिटी मिलती है क्लाउडेड लेपर्ड भी बोलते हैं उसके अलावा स्नो लेपर्ड अलग है ठीक है ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा स्किन डार्क हो जाए तो उसको ब्लैक लेपर्ड भी बोल देते हैं मेलानिस्टिक लेपर्ड भी बोलते हैं ब्लैक पेंथर भी बोल देते हैं ठीक है जी अब ये अभी रिसेंटली कहाँ पर देखा गया ये देखा गया हमें जो नवेगांव नागज़ीरा टाइगर रिजर्व है ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ पहली बात तो मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के अंदर है ना जैसे अलील है वो रिप्रेजेंट करते हैं मैंने एक एग्जांपल सिंपल बड़ी एग्जांपल आपको देता हूँ पहले काफ़ी बार दे चुका हूँ एग्जांपल कि टॉल है, है। मान लीजिए अगर पेरेंट्स ये है फीमेल ये है मेल ठीक है जी अब ये टी जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट अलील है ठीक है मतलब कि अगर जहाँ पर भी ये गया ये अपना डोमिनेंस शो करेगा दूसरा जो स्मॉल टी है ये है रिसेसिव मतलब ये ए, 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 अगर एक आया तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो अगर इनके ऑफस्प्रिंग देखें कि जो फ्यूचर के अंदर है ना जो पॉपुलेशन है वो कैसी होगी दोनों के अंदर ठीक है जी अगर देखें तो ये हमारी बनती है ठीक है जी तो इट मीन्स के दो जो हैं यहां पे ये टॉल होंगे ठीक है टॉल इन द सेंस कि जब एक टी आ गया अगर दोनों टी कैपिटल आ गए तब भी ये टॉल ही होगा लेकिन जो स्मॉल टी हैं ये रिसेसिव होंगे ठीक है जी अब ऐसे ही कलर कॉम्बिनेशन के अंदर होता है ठीक है कुछ अलील्स हैं ठीक है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए जैसे यहाँ पे फिर ब्लैक कलरेशन क्यों आई ठीक है जी यहाँ पे जैसे लार्ज अमाउंट जो पिगमेंट मेलानिन जो डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जनरेट होता है जिसकी वजह से जो स्किन कलर है उसका डार्क हो जाता है लेकिन यहां पे ये दोनों के अंदर होता है अगर लेपर्ड के अंदर अगर देखें तो यहां पे रिसेसिव अलील्स जो रिस्पॉसिबल है ठीक है रिसेसिव इन इंडस जैसे यहां पे आपको दिखाया मतलब कि दोनों अलील अगर इकट्ठे आए तभी ये रिप्रेजेंट ब्लैक कलर को करेगा अगर आप जेगुअर के अंदर देखें तो ये डोमिनेट अलील को रिप्रेजेंट करता है तो इट मींस कि अगर जेगुअर के अंदर एक भी है ना जो डोमिनेट है जो ब्लैक कलर देता है वो डोमिनेट अगर सिंगल भी अलील हुआ तब भी उसके अंदर ब्लैक कलर आएगा पहली बात यह अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अदर भी और भी जो रीज़न बताए जाते हैं जैसे लाइफ है कि कहाँ कहाँ पर किस एरिया के अंदर हैबिटेट के ऊपर डिपेंड है या फिर लाइट वगैरह के इंसिडेंट है उसके केसेस के अंदर लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये क्या पूरी कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है दूसरी बात अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो चाइना बर्मा नेपाल सदर्न इंडिया ठीक है जी इंडोनेशिया दैन मलेशिया तो मतलब इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया यहीं पे हमें देखने को ये मिलता है बस अपने थोड़ा सा एरिया का अंदाज़ा लगाना है अगर इंडिया के अंदर देखें तो ये कर्नाटका तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र वगैरह स्टेट्स के अंदर देखा जाता है अब बात करते हैं कि जो लेपर्ड है जो रियल इसकी क्लासिफिकेशन है ठीक है ये एक तो पेंथेरा जीनस है ठीक है एक है न्यूफेलिस ऐसा सच आपको ये नहीं याद रखना कि पेंथेरा और ये क्या है बस आपको सिर्फ समझना है क्योंकि ये तो फिर सिर्फ जूलॉजी के अंदर चला जाएंगे हम यहाँ पे जैकुअर लायन लेपर्ड स्नो लेपर्ड टाइगर है ना ये पांच जो कैट्स हैं इसके अंदर है इसके अलावा जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये अलग जो लाइन के ऊपर आता है तो हमारे क्या होता है कई बार बहुत सारी अगर आप न्यूज़पेपर ही देखोगे लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता लेकिन टेक्निकली दे आर डिफरेंट ठीक है तो अब यहां पे अगर हम बात करें टाइगर अगर यहां पे देखो पंथेरा सारे पेंथेरा है है ना तो यहां पे जीनस सेम है तो यहां पे टाइगर है एजेगर लायन लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड तो अब हम बात करते हैं कि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि हाँ ये अलग है चीजें है ना कुछ कुछ तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले लेपर्ड की लेपर्ड के अंदर अगर हम देखें वलरेबल स्टेटस है साइड्स के अंदर वन है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वन है तो 2018 में गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम इसका सर्वे करेंगे मतलब कि इसका स्टेटस क्या है कितना नंबर है कितना नहीं है वो हम चेक करेंगे तो उन्होंने 2014 के अंदर जो था 8000, 2018 के अंदर जो इसका नंबर अराउंड 13,000 हो गया इट मीज़ कि आपको प्री के लिए क्या याद रखना है इसका नंबर इंक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर के अंदर पहली बात दूसरी बात अगर हम इंडिया के अंदर रीजन वाइज देखें कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी ए, काउंट मिलता है तो यहां पे आपने सिर्फ जो मोस्ट सबसे ज्यादा मिलता है उसको एटलीस्ट इतना याद रख लो ठीक है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न गार्ड तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा काउंट मिलता है देन वेस्टर्न घाट शिवालिक एंड गैंगेटिक प्लेन्स है उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिल्स है अगर हम स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा है फिर कर्नाटका एंड महाराष्ट्र कंसर्न यहां पे इन्होंने ये बताया कि जो रीसेंट टाइम के अंदर इसकी जो हैबिटेट है जहाँ पे रहता है है ना वो डिक्रीज हुई है उसके अलावा क्या ये सारा एरिया ही कवर किया है जब इसका काउंट क्योंकि लेपर्ड तो बहुत ही कॉमन है है ना अब इसका क्या सारे काउंट किए गए यहाँ पे नहीं हर एक एरिया के अंदर थ्रू आउट इंडिया हर एक एरिया के अंदर नहीं काउंट किया गया ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ की अगर बात करें जो टाइगर जो रीजन है जो फॉरेस्ट है जहाँ पर टाइगर रहता है पहली बात तो वहाँ पर ही ज़्यादातर काउंट किए गए इसीलिए इसके अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन भी वहाँ पर इन्वॉल्व है ठीक है जी उसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भी इन्वॉल्व है इन्होंने किया दूसरी बात नॉट कंडक्टेड जैसे एग्रीकल्चर रीज़न है है ना बहुत सारे अब आप, आपने देखा होगा लेपर्ड देखने को मिलता है नॉन फॉरेस्टेड एरियाज हैं या टी कॉफी प्लांटेशन वगैरह हैं उसके अलावा अगर मोस्ट पार्ट जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे भी ये काउंट नहीं किया गया तो इट मीन्स कि जो हमारे पास इसका स्टेटस है जिसके बेसिस के ऊपर हम नंबर बता रहे हैं वो थ्रू आउट इंडिया कवर नहीं है टेक्निक है वही टेक्निक्स हैं जो नॉर्मल यूज़ किए जाते हैं सैटेलाइट कैमरा ट्रैप वगैरह के थ्रू इसको किया गया अब इसको भी थ्रेट है जैसे हैबिटेट लॉस है, है। बहुत सारा आपने जो एरिया है उसको हमने इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर दिया है ना ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे इसका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है ह्यूमन एंड लेपर्ड का कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे वो तो एग्जांपल इसकी आएगी आएगी चलिए अब दूसरी बात है क्लाउडेड लेपर्ड क्लाउडेड लेपर्ड का भी स्टेटस वनरेबल है ठीक है अब कंट्रीज़ हैं कुछ ठीक है नौ कंट्रीज हैं इन्होंने इसका बोला कि हम इसका सर्वे करेंगे ठीक है अगर हम क्लाउडेड लेपर्ड की बात करें तो ये हमें मेनली कहाँ पे मिलता है सिक्कम है ना जो हिमालयन फुट हिल है तो हिमालयन फुट हिल आप सोचो कि हिमालयन फुट हिल तो बहुत ही एक ऐसा टेरन है यहाँ पे नंबर काउंट करना इतना ईजी नहीं है जैसे आपने लाइन का सेंसस करना है गुजरात के अंदर एक ही एरिया वहाँ पर आप कर सकते हो ईजीली है ना लेकिन यहाँ पे हिमालयन फुट हिल के अंदर इसको आ, काउंट करना इसका नंबर बहुत डिफ़िकल्ट है इसीलिए ठीक है इसका नंबर एस आ, कोई बहुत खास हमें यहाँ पे इसका जो एस्टिमेशन है मिलती नहीं है ठीक है जी नाइन कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिलके बोला कि हम एस्टिमेट करेंगे भूटान नेपाल इंडिया मलेशिया थाईलैंड वियतनाम फिर अगेन उसी एरिया के अंदर हमें ये देखने को ऑलमोस्ट मिलता है हिमालयन फुट हिल खास करके ये मिलता है वहाँ पे ठीक है जी इंडिया के अंदर तो हिमालयन फुट हिल वेस्ट बंगाल मेघालय है ना देन त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर असम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश तो ये वही स्टेट्स हैं स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय भी डैम्पा टाइगर रिजर्व यहाँ पर इसकी हाई जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हमें देखने को मिलती है मुझे ये बताना हमने जब टाइगर सेंसस किया था डैम्पा टाइगर रिजर्व के अंदर कितने टाइगर हैं जो लेटेस्ट सेंसस था मैंने वहाँ पे आपको करवाया था कि डेम्पा टाइगर के अंदर कितने रिजर्व के अंदर कितने टाइगर है ये क्वेश्चन आपको आ सकता है पहली स्टेटमेंट वो डालेगा कि डेम्पा टाइगर रिजर्व के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी जो क्लाउडल लेपर्ड की कितनी है दूसरी स्टेटमेंट वो टाइगर पर डालेगा तो मुझे ये बताना टाइगर के यहाँ पर कितना काउंट मिला मैंने बताया भी था आपको ठीक है जी उसके अलावा स्नो लेपर्ड की बात करते हैं स्नो लेपर्ड नाम से स्नो है तो वहाँ पे कौन से रीजन के अंदर मिलेगा ये हिमालय के रीजन के अंदर मिलेगा है ना उसके तो हिमालय के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे स्टेटस का वलरेबल ही है ठीक है जी हेमिस जो नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर यहाँ पे स्नो लेपड की काफ़ी जो नंबर देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम इसका काउंट करेंगे ठीक है 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने फर्स्ट जो लेपर सर्वे लॉन्च किया लेकिन वो बाद में उसके अंदर कुछ खास प्रोग्रेस मिलने देखने को नहीं मिली जो स्टेट्स थी उन्होंने अपने लेवल के ऊपर बोला कि हम स्नो लेपर्ड का काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश ने उसने भी बताया कि सेवेंटी थर्ड है थ्री है लेकिन खास कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है तो वाइल्ड लाइफ जो अपना क्या बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है है ना यहाँ पे इसने ये बताया कि अराउंड सेवेंटी परसेंट जो जो हैबिटेट है स्नो लेपर्ड की वो अनएक्सप्लोर्ड है इट मीनस कि सेवनटी परसेंट हैबिटाट के अंदर हमने तो वहाँ पे सर्वे किया ही नहीं क्योंकि हमने पूरी एक्सप्लोर नहीं की ठीक है जी उसके अलावा कंजर्वेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम ठीक है जी तो यहाँ पर यह लॉन्च किया गया जो ट्वेल्व स्नो लेपर्ड कंट्रीज़ हैं तो याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चाइना भी इसके अंदर है पाकिस्तान भी है उज्बेकिस्तान ताजिकस्तान तो मतलब एशिया की तरफ सेंट्रल एशिया की तरफ ही बढ़ता है है ना उसके अलावा अफगानिस्तान भी है रशिया भी है ऊपर यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया जो पहले दोनों के अंदर इन्वॉल्व था वो इसके अंदर नहीं है बस आपको एरिया अगर समझ आ गया यूपीएससी के अंदर आप री इजिली वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे हिमल संरक्षक ठीक है जी नो टाइगर जीरो टाइगर हाँ तो यहीं पे क्वेश्चन है आपको ये क्वेश्चन आपने आंसर दिया क्योंकि हमने किया भी होगा आपने भी पढ़ा भी होगा कि जो डेम्पा के अंदर है वहाँ पे लाउडर लेपर्ड की डेंसिटी तो बहुत है लेकिन जो टाइगर है अभी रिसेंटली वहाँ पे ज़ीरो डिटेक्ट किया गया ठीक है और तो दैन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है यहाँ पर भी जो माउंटेन रीजन है उसको हमने जो क्या बोलते हैं कंजर्व करने के लिए स्टार्ट किया स्क्योर हिमालय ठीक है तो जो ग्लोबल अपना है इन्वायरमेंट फैसिलिटी जी जो जिसका ट्रस्टी कौन है वर्ल्ड बैंक हमने किया था अभी रिसेंटली यू तो यहाँ पर इन्होंने एफर्ट किया है इसके अंदर बस इन दोनों के नाम याद रखने हैं एंड सिक्योर हिमालय किससे रिलेटेड है बस ये याद रखना है तो बस इतना थोड़ा थोड़ा काम करना है हम, हमने बहुत ज़्यादा नहीं यू के हिसाब से ही हम चलेंगे ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं ग्रैंड इथोपियन रैसेंस डैम जी ई आर डी तो हमने एक और डैम किया था उसका नाम था नीड ये कहाँ पे किया था दो बार कवर किया इसको एक बार एम भी इसके ऊपर हो चुका है नीट डैम के दो बार एम सी क्यू हो चुका है आई थिंक एक जो पहले हमने अप्रैल के अंदर एम सी क्यू की थी अभी जो रिसेंट आई आर की सीरीज वहाँ पर इथोपिया ये चाहता है कि मैं यहाँ पर डैम बनाऊँ ठीक है तो अभी जो सेकेंड जो फेज है वहाँ पर स्टार्ट हुआ अब ये अफ्रीका का जो बिगेस्ट डैम प्रोजेक्ट है अगर यहाँ पर हम देखें ठीक है ये है नाइल रिवर अपना ये वाला तो यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी देखें वाइट नाइल है देन ब्लू नाइल है जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है ये अपना इथोपिया है इथोपिया यहां पे जो अपना ये डैम बना रहा है ठीक है जी अब यहां पे डैम बना रहा है उसके बाद ये सूडान में जाएगा इजिप्ट में जाएगा तो जब जैसे मान लो चाइना चाइना ने ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम की हमने बात की थी कि चार डैम बना रहा है वो अब जैसे वो चाइना ऊपर डैम बनाएगा सपोज करो उसने पानी रोक दिया तो इट मीनस कि इंडिया के अंदर पानी आएगा नहीं चाइना की ये जो चाइना से हमें खतरा ये है कि मान लो मानसून बहुत ज़्यादा आ गई पानी बहुत ज़्यादा है तो चाइना क्या करेगा ऊपर डैम से रिलीज़ कर देगा इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लड आने के चांसेस है मान लो ड्रॉट पर कि इतना ज़्यादा मानसून है नहीं तो चाइना वहाँ पर पानी रोक देगा और नीचे और नुकसान होगा यही टेक्निक होती है कि जो ऊपर स्टेट्स होती हैं वो क्या यूज़ करती हैं जो इजिप्ट है उसको ये भी खतरा है उसको ये लगता है कि यहाँ पर अगर डैम बन गया तो जो पानी को कंट्रोल करने का राइट है है ना जो मतलब एक बेसिक अगर उसके ऊपर डिपेंड रहने पड़ेगा वो इथोपिया उसको मैनुपलेट कर सकता है इथोपिया जब चाहे पानी का लेवल इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया वहाँ पे इजिप्ट को बहुत नुकसान होगा सूडान को भी यही चक्कर है सूडान को ये लगता है कि चलो ठीक है पानी तो एक अगर वो बहुत ज़्यादा फ्लो को मैनूपलेट करेगा थोड़ा सा स्टोर कर लेगा है ना इथोपिया तो वो इशू वहाँ पर है लेकिन इथोपिया क्या जाता है इथोपिया ये कहता है कि ये बहुत बड़ा डैम है यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और ये कहता है कि एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो फुलफिल होगी दूसरा जो साइडों में कहता है गरीब कंट्रीज हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दे देंगे ठीक है जी तो ये हमने तो साइड स्टेट्स जो हैं जो यहाँ पे अफ्रीकन जो और कंट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट होगा ये इथोपिया का मानना है यही इशू है ठीक है जी तो अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से पहले ही यहाँ पे ये इशू हो गया अभी आगे देखते हैं अपडेशन आएगी दोबारा फिर इसके अंदर इथोपिया को बेनिफिट क्या लगता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करेगा इजिप्ट के लिए क्या कंसर्न है डाउन के अंदर है है ना अगर इथोपिया ने बंद कर दिया तो तो यहाँ पर इजिप्ट की बहुत सारी पॉपुलेशन नाइन नाइन्टी जो ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन वाटर सप्लाई करता है तो अब इजिप्ट को खतरा है सुडान ये कहता है कि ठीक है वाटर लेवल का प्रॉब्लम आएगी लेकिन बेनिफिट क्या है कि पावर जनरेशन होगी हमें पावर मिलेगा नाइल के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर बोला जाता है लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च ने क्या सजेस्ट किया कि अमेजॉन थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर है तो ये इसके अंदर इशू चल ही रहा है अगर ड्रेनेज बेसिन जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली ये आपको नाम याद होने चाहिए इन कंट्रीज़ के ठीक है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आपने मैप बनाया हुआ है ठीक है बहुत सारे आपको मैप अलग अलग अफ्रीका का जो मैप होगा वहां पे आप उसको कलर कर सकते हो उत, उतने एरिया को थोड़ा सा शेडेड कर देना बहुत ज़्यादा मतलब कलर नहीं करने ट्रिब्यूटरी की बात करें तो एक वाइट नाइल है है ना तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया देन ब्लू नाइल है उसके बाद अराउंड एटी जो वाटर एंड सिल्ट है यहाँ पे ये कंटेन करती है ठीक है जी उसके बाद रेड नाइल है ठीक है जो ब्लू नाइल के स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर है लेक टना के पास अगर यहाँ पे ये लेक टना है ठीक है यहाँ पे ये मिलती है आगे चलती है ठीक है इसके ऊपर थोड़ा सा उसके अलावा येलो नाइल भी है जो फॉर्मर ट्रिब्यूटरी थी तो ये इसकी चार ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमने ध्यान में रखनी है प्री के लिए उसके अलावा आगे चलते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कमर्स हमारे पास यू पी आई है यू पी आई है ना यू पी आई के प्लेटफॉर्म के बेस के ऊपर आपका पेटीएम भी आ गया है ना गूगल पे वगैरह कितने आ गए दो तरह के जो प्रो नेटवर्क होते हैं एक होता है ओपन सोर्स एक होता है क्लोज्ड हमने ये पढ़ रखे हैं ओपन सोर्स का मतलब है कि उसका जो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका जो सोर्स कोड है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो तो सभी क्या करेंगे अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं क्लोज के अंदर आपके पास लीगली राइट right नहीं है इलीगली जो मर्जी करो ठीक है जी अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो ई e कॉमर्स है जैसे मान लो अमेजोन है है ना बहुत सारे फ्लिपकार्ट वगैरह कितने हैं अब इनके पास अपने अपने प्लेटफॉर्म में मान लीजिए कोई मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो यहाँ पे अगर आप अमेजोन के ऊपर गया तो अमेजोन के ऊपर हमें देखेगा बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वही होल्ड करती है तो छोटे जो आ, सेलर वगैरह हैं उनके लिए इतना चांस नहीं है अगर ये अब ये क्लोज सोर्स है ठीक है अगर मान लो इसको ओपन सोर्स कर दिया तो कोई भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मतलब आपका जो आप ए, ए, कोई कुछ भी खरीदना चाहते हो वो सारा आपको जो सारे प्लेटफॉर्म है उनका जो प्रोडक्ट है सभी जो सेलर हैं उनके प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिलेंगे अभी तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या है ना लेकिन वो सारे एक ही जगह पे मिलेंगे इसका बेनिफिट क्या है? जो छोटे सेलर हैं उनको बेनिफिट है है ना क्योंकि बड़ों की मोनोपोली खत्म होगी इसके अलावा जो कस्टमर को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने वहाँ पे हमें जो चांसेस मिलते हैं मतलब चीज़ें मिलती हैं तो प्रोडक्ट हमें हर एक चीज़ के मिलेंगे गए यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है ठीक है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल था जैसे एप्पल का आईफोन आई है यहाँ पर ये क्लोज सोर्स है क्लोज सोर्स है लेकिन जो अपना एंड्रॉयड है ठीक है जी गूगल का एंड्रॉयड जो ओपन सोर्स है इसी के बेस के ऊपर आप देखो एंड्रॉयड बेस कितने फ़ोन आ गए सैमसंग का आ गया शॉम्मी वन वगैरह कितने आ गए है ना यही इन्होंने ऊपर सोर्स यूज किया इसीलिए हमें ये अलग अलग जो ब्रांड के अंदर ये चीज देखने को मिलती है तो अभी तो ये गवर्नमेंट ने यह प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया है ठीक है जी तो एडवाइजरी कमेटी बनाई कि क्या क्या इसके अंदर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे क्या होता है ठीक है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया गया है ठीक है जो अपना स्वच्छ सर्वेक्षण वगैरह भी करवाती है ऑटोनोमस बॉडी है ठीक है डी के अंदर ठीक है जी तो ये थोड़ा सा हमने ध्यान रखना था ऑल हमने फ्री ओपन सोर्स वगैरह पहले भी किए हुए हैं लेकिन एक बार एडवाइस करवा दिए जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा समझ आना चाहिए अब बात करते टेली लॉ की अगर जो बहुत सारे गरीब लोग हैं अब उनको मान लीजिए कोई केस है या कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो पैसा चाहिए भाई अब ऐसे गरीब लोग हैं उनके पास पैसा इतना है नहीं तो इसके लिए यहाँ पे टेली लॉ एक टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है ठीक है जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पे ये अवेलेबल है उनको ये टेली लॉ के अंदर यहाँ पे प्रोविज़न दी गई कि ठीक है वो बहुत ही ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट कुछ के लिए कॉस्ट लगती है आगे देखेंगे ठीक है अब उनको एक तो एक्सेसिबल जस्टिस हो गया है ना थर्टी नाइन उसके फ्री लीगल एड तो यहाँ पर इनके लिए सिस्टम सेट किया गया ये काम कैसे करता है पहले होते हैं वॉलंटियर पैरा लीगल वलंटियर मान ली आपने जाना है ना तो आपने लीगल एडवाइस वगैरह या कुछ भी आपको सहायता चाहिए तो आप पैरा लीगल पी भी बोलते हैं इनको एडवाइज़र होते हैं इनके पास जाओगे ये आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर लेके जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपका केस रजिस्टर होगा उसके बाद यहाँ पे जो आपकी कंसल्टेशन वगैरह होगी जो भी लॉयर है उसके साथ मीटिंग होगी सारी और वो आपको पूरी सहायता करेगा यही प्रोसीजर है इसके अंदर अदरवाइज आप सीधा कोर्ट के अंदर जाओ वहां पे बहुत सारे इश्यूज हैं आपके पास पैसा होना चाहिए एक, काफी कुछ चीजें होनी चाहिए ठीक है हम्म ठीक है जी ओके तो अब यहां पे बात करते हैं तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया जस्टिस डिपार्टमेंट ठीक है नाइन लैख जो बेनिफिशरी इसके अंदर क्रॉस कर चुके हैं ठीक है जी ये गवर्नमेंट ने बोला तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज भी देखने को मिला है ये एग्जाम्पल हम मेंस के अंदर यूज़ करेंगे है ना जब एक्सेसिबल जस्टिस की बात कर देते हैं तो वहाँ पे आप बोलोगे हाँ इंडिया कोशिश कर रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टेली लॉ के अंदर इतने लोगों ने वहाँ पर उसका बेनिफिट लिया ये आपकी एग्जाम्पल आ जाएगी अब टेली लॉ जो है एक तो हमने प्री के लिए किया जाए रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू जो जगह जगह के ऊपर हर स्टेट के अंदर बने हुए हैं ठीक है जी उसके अलावा पीएलवी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके साथ पहले मीटिंग होती है दूसरी बात जो हमने ध्यान रखनी है प्री के लिए ये कि फ्री है ठीक है किन के लिए जो फ्री लीगल एड लेते हैं जो सेक्शन ट्वेल्व लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नाइनटीन के अंदर वहाँ पे जिनके नाम लिखे हुए हैं उनको ही इसके अंदर फ्री लीगल एड इसके अंदर मिलती है इसके ऊपर अभी रिसेंटली यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑथेंटिक आंसर अभी भी नहीं है यूपीएससी क्या उसका आंसर देती है वो देखेंगे ठीक है तो दूसरी बात तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे क्या बाकी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर नॉमिनल फ़ी लगेगी थर्टी तो ये हमने ध्यान रखना है ये प्रोसेस आपको बता दी हु कैन अवेल टेली लॉ सर्विस यहाँ पे मार्जिनाइज कम्युनिटी है वूमेन है सीनियर सिटीजन है ठीक है इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं विक्टिम है अगर ट्रैफिकिंग वगैरह या कुछ ऐसा हो गया एसिड अटैक के अटैक के विक्टिम हैं ड्रग अब्यूज़ वगैरह डिजास्टर हुआ कहीं पर उनके जो विक्टिम्स हैं उसके अलावा जो कस्टडी के अंदर है पर्सन पर्सन विद लो इनकम ये सारे यहाँ पर इन्वॉल्व है मतलब इनको यहाँ पर एक्सेस मिलेगा अब बात करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की ये बनाया गया यहाँ पे किसके लिए फ्री लीगल एड देने के लिए तो यहाँ पे हमने ध्यान के रखना है ध्यान ये रखना है नेशनल लेवल के ऊपर क्या बनाया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी तो इसका चेयरमैन कौन है सी जे आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके अलावा स्टेट लेवल के ऊपर क्या बनाया स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट कोर्ट देन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देन सब डिविजनल या तालुका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमेटी भी इसकी बनाई गई पहले तो ये आपको पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या बना क्योंकि यू सीधा पूछेगी इसके अंदर सेंट्रल लेवल के ऊपर ही अथॉरिटी बनाई गई है या डिस्ट्रिक्ट के ऊपर नहीं बनाएगी ये स्टेटमेंट थोड़ी सी आपने बस नाम याद रखना है कि हाँ ये तीन लेवल के ऊपर यहां कुछ बनी हुई है बॉडी ठीक है जी अब बात करते हैं आगे ठीक है जी इसके अंदर ये भी बोला गया है कि इनमें से कोई भी जो अभी हमने पढ़े ये ऑर्गेनाइज कर सकता है लोक अदालत पहली बात आर्टिकल थर्टी नाइन मैंने ऑलरेडी बता दिया फ्री लीगल एड बोलता है फोर्टीन ट्वेंटी टू वन क्या बोलता है हमें इक्वेलिटी है ना तो यहां पे एक जो गरीब है वो अदरवाइज एक्सेसिबल नहीं है उनके लिए जस्टिस इतना लेना तो वो यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया अब बात करते हैं सेक्शन ट्वेल्व की सेक्शन ट्वेल्व थोड़ा सा तो हमने ऑलरेडी पढ़ा जो ऑरेंज कलर के अंदर था वो एक्चुअली सेक्शन ट्वेल्व नहीं वैसे ही एक लिस्ट है तो यहाँ पे सेक्शन ट्वेल्व देखेंगे एस सी को मिलेगा ठीक है विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग वुमेन और चाइल्ड मेंटली इल पर्सन विद सर्कम्स्टांसिस जो भी जैसे मान लो डिज़ास्टर वगैरह हो गया उनको उसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वर्कमैन कस्टडी के अंदर है यहाँ पे प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन यूपीएससी पी ने यहाँ पे फंसाया था तो यहाँ पे वन लैख तक यहाँ पे बोला गया और यहाँ पे ये बोला गया था स्टेट और सेंटर अपने हिसाब से जैसे दिल्ली वगैरह सीनियर सिटीजन को भी फ्री लीगल एड देती है यूपीएससी ने ऐसी स्टेटमेंट डाल दी अब क्या वो स्टेट का कंटेक्स लेती है क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग थोड़ा सा चेंजेज हैं जो बेनिफिट के या नहीं लेती ये देखना पड़ेगा ठीक है तो ये यू ही बताएगी कि उसने वो कंटेक्स लिया है या नहीं लिया ठीक है दोस्तों अब रिक्यूजल ऑफ जजेस मान लो जज बोल दे के ठीक है आप जज के पास कोई केस आया हो बोले मैंने ये केस को हैंडल नहीं करना ठीक है क्यों नहीं करना उसको लगता है कि मैं एक जो कहीं ना कहीं है ना मतलब एक बाइस डिसीजन इसके अंदर हो सकता है ये इसलिए हो सकता है कि उसको लगे मान लो जी कोई कंपनी है कंपनी का केस जज देख रहा है अब उसको लगता है कि मेरे शेयर भी इसके अंदर हैं तो वो एक जो है ना वो एक बैलेंस जो वर्डिक्ट नहीं होगा इसीलिए उसको वो मना कर सकता है उस चीज़ को है ना अभी रिसेंटली क्या हुआ ममता बनर्जी जो अपना नंदीग्राम असेंबली के अंदर पोल हुए तो वहाँ पे ममता बनर्जी हार गई वहाँ पे जो इलेक्शन पटिशन डाली गई वहाँ पे क्या इलेक्शन के अंदर इरेगुलरिटी क्या हुई तो जब जज के पास केस गया तो वहाँ पे बाद में ममता बनर्जी ने बोला कि ये जज जो है बीजेपी की थोड़ा सा पास में है, है ना मतलब रिलेशन है इसके तो उसके बाद यहां पे जज को लगा कि ये तो एक आपने जो हाई कोर्ट है है ना मतलब जुडिशरी को एक बैड लाइट के अंदर पुट कर दिया इसीलिए उनके ऊपर फाइन लगाया गया साथ ही साथ जज ने रिक्यूजिंग हिमसेल्फ तो मना भी कर दिया मैं ये केस को नहीं लूंगा अब रिक्यूजल आपको यूपीएससी ये पूछेगी कि रिक्यूजल के अंदर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है या कहाँ पर क्या प्रोविजन है उसको रूल कौन रेगुलेट करता है याद रखना पॉलिटी जब आप पढ़ते हो कोशिश किया करो कि कोई भी अगर आप रूल या कुछ पढ़ रहे हो एटलीस्ट इतना बताना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया या नहीं किया बस ये आपने थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस ध्यान में रखना है ठीक है ओके अब यहाँ पे कहते हैं वाई डज जज रिक्यूज़ क्यों रिक्यूज करते हैं मान लीजिए ऑलरेडी एग्जाम्पल दी थी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे शेयर है उसके कंपनी के अंदर है ना उस पार्टी के साथ उसकी एसोसिएशन है या कुछ रिलेशन है उसके अलावा मान लीजिए वो हाई कोर्ट था हाई कोर्ट के अंदर वो जज था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया उसी की जो हाई कोर्ट की जजमेंट की जो जजमेंट थी उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वो तो उसने ही दी थी है ना तो वो दोबारा वहाँ पे उसके इसके अंदर रिक्यूज़ल हो सकता है उसके अलावा अगर बात करें कि डिसीजन ठीक है वो जज नॉर्मली इसकी प्रोसेस क्या है जज खुद ही बोलता है कि ठीक है मैंने ये केस को हैंडल नहीं करना लेकिन कुछ केसेस के अंदर जैसे यहाँ पे बोला गया है ना मान लीजिए कोई पार्टी है वही बोल देती है कि यहाँ पे जज इस जज के का इसके साथ रिलेशन है तो ये एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे नुकसान हो सकता है दूसरी पार्टी के फेवर के अंदर डिसीजन जा सकता है तब भी हो सकता है अगर मान लो जज रिक्यूज़ल कर देता है उसके बाद चीफ जस्टिस क्या करेगा वो फ्रेश बेंच को अलॉट करेगा ठीक है जी ओके उसके बाद रूल ये इंपॉर्टेंट है हमारा प्री के लिए कौन से रूल हैं तो यहाँ पे कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग के अंदर इसके बारे में बहुत हमने आर्टिकल कुछ ऐसा प्रोवाइड किया है ये विद द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको जो जजमेंट थी उसके हिसाब से ये आया है ठीक है यहाँ पे देखें रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला ठीक है कि मान लीजिए जज को अपना माइंड पहले नहीं लगाना पहले सामने पार्टी वाली का पार्टी का देखना है जो सामने है है ना जिसके ऊपर जजमेंट देखनी है उसका देखना है क्या उसका मेरे ऊपर पूरा फेथ है अगर फेथ है तो वो एक आ, अच्छा तरीका है इसको के रिक्यूज़ल करना है या नहीं करना अगर लगता है सामने वाली पार्टी मेरे ऊपर पूरा फेथ नहीं करती या उसका कुछ ना कुछ कहीं इंटरेस्ट है तो उसको रिक्यूज़ल कर देना चाहिए दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ़ जुडिशरी लाइफ नाइनटीन नाइन्टी नाइन यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किए यहाँ पे ये बोला ठीक है जो भी जो कंपनीज़ के शेयर हैं वहाँ पे मान लीजिए किसी जज के पास कोई केस गया अब उसको लगता है कि इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उसको पहले ही डिस्क्लोज करना चाहिए इंटरेस्ट उसके बाद जो सामने वाली पार्टी है अगर वो कॉन्फिडेंट है कि कोई बात नहीं आपका यहाँ पे कोई है शेयर के अंदर इंटरेस्ट या कुछ भी है लेकिन हमें पता है कि आप एक फेयर जजमेंट दोगे तो वहाँ पर कोई रिक्यूज़ल करने की जरूरत नहीं है अब कैन जज रिफ्यूज़ टू रिक्यूज़ मान लीजिए कि सामने वाली पार्टी बोलती है कि इस जज का किसी इंटरेस्ट है जो सामने वाली मेरे दो पार्टी गई जज के पास ए एंड बी ए को लगता है कि बी के साथ जो जज के कुछ रिलेशन है इसीलिए ए के फेवर के अंदर डिसीजन नहीं आ सकता तो इसीलिए जज को रिक्यूज़ कर देना चाहिए क्या वो कर सकता है वहाँ कर सकता है लेकिन क्या वो मना कर सकता है मना भी कर सकता है ये भी हमने ध्यान रखना है ठीक है जस्टिस अरुण मिश्रा ठीक है जी इन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया था ठीक है जी तो ये हमने ध्यान रखना है एक एग्जाम्पल हमारी है सिर्फ कोर्ट करनी है बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ इतना याद रखना अगर पार्टी कहने के बाद भी वो जज क्या यूज़ कर सकता है बिल्कुल कर सकता है ठीक है जी ओके ठीक बिल्कुल ठीक है ठीक है जी अब बात करते हैं बेंद्रापुटी मूवमेंट की ये है वाइट फ्लैग कैंपेन ठीक है जी तो यहाँ पे मलेशिया के अंदर ये देखी गई वाइट फ्लैग जो मूवमेंट है अब देखो नाम यहाँ पे ये क्यों लिखा है क्योंकि ये भी इसके साथ रिलेटेड है वाइट फ्लैग कैंपेन जो है अगर आपको यू पूछे तो हो सकता है ज़्यादा चांसेस क्या है ये वाला नाम उठाए इसीलिए इसको वहाँ पर टाइटल के अंदर डाला गया ठीक है जी अब यहाँ पर जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे घरों के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है है ना तो यहाँ वहाँ पर क्या हुआ कि भाई लोगों ने यहाँ पे ये बोला कि अगर किसी को हेल्प चाहिए कोई घर है उसको हेल्प चाहिए तो वो वाइट फ्लैग घर के बाहर रख दे या शो कर दे या वाइट कपड़ा कुछ भी घर के बाहर रख दे ताकि जो लोग हेल्प करने वाले हैं उनको पता चल जाए कि हाँ इस घर को हेल्प की ज़रूरत है ठीक है जो भी फूड वग़ैरह जो भी चाहिए किसी भी टाइप की हेल्प तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है तो जो इनोवेटिव मेथड है इंडिया के अंदर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं ना कि आपने शहर के या सिटी या कुछ कोई भी वार्ड के अंदर ऐसा रूल बना दिया कि ठीक है आप ऐसा कर दो अदरवाइज़ घर घर में जाओगे कोविड होने का और ख़तरा है ये सारी चीज़ें रहती हैं तो ये एक इनोवेटिव है एक मेन्स के अंदर ये एग्जाम्पल के अंदर लोगे यहाँ पर वे फॉरवर्ड आएगा आपको कोविड के अंदर या फिर कैसे मैनेज करना है लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज करना है वहाँ पर वे फॉरवर्ड और यहाँ पर प्री के लिए बस इतना याद रखना है किससे रिलेटेड है इसके अलावा व्हाइट फ्लैग कहाँ यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चलिए वैसे इंटरेस्ट के लिए कर लेते हैं सरेंडर या ट्रूस के लिए ये, ये यूज़ होता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या बोला जाता है कि ये डिज़ायर टू नेगोशिएट है ना मतलब ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया तो अलग अलग स्टेट की कंट्रीज़ की अलग अलग डेफिनेशन है कैनाडा भी यही बोलता है कि नेगोशिएट और सरेंडर वगैरह इसको रिप्रेजेंट करता है ठीक है अदर इंस्टांसिज हैं जैसे सेंट्रल अमेरिका के अंदर यहाँ पर भी जो कंट्रीज थी उन्होंने वाइट फ्लैग 2020 के अंदर शो किया कि जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है उनका वो फेल हो चुका है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है जी ओके अब बात करते हैं इकॉनमी ठीक दोस्तो, in है दोस्तों डे फोर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स टू हाल मार्किंग ऑफ गोल्ड इन इंडिया फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑपरेट गोल्ड एंड सिल्वर हॉल मार्किंग स्कीम इन इंडिया सेकेंड हॉल मार्किंग इन इंडिया इज अवेलेबल फॉर ज्वेलरी ऑफ ओनली टू मेटल्स थर्ड स्टेटमेंट है रिसेंटली गवर्नमेंट इन्क्लूड स्पेशल टाइप ऑफ ज्वेलरी सचैस कुंदन पोलकी जडाऊ अंडर हॉल मार्किंग स्कीम तो ऑप्शन है वन ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली ऑल ऑफ दयुष ने बोला बी वन एंड टू ये हमने किया हुआ टॉपिक आल मार्किंग ऑफ गोल्ड जो आए बोल रहे हैं ए इज आंसर भारती ने ये बोला है दीपक सी दुर्गेश ए आयुषी ने बोला है ऑप्शन टू का ओनली एक्सट्रीम लग रहा है मुझे भी लग रहा है सर डी बोला है दीपक नव ने बोला ए सरिता ऑप्शन ए चलिए देखते हैं इसका आंसर पहले है बी ऑपरेट करता है ये तो हमें पता है है ना हाल मार्किंग को क्योंकि तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हाल मार्किंग इन इंडिया इज अवेलेबल फॉर ओनली टू जो ये स्टेटमेंट सही है एक्सट्रीम लग रही है लेकिन सही है थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग ठीक है जी ओके यहाँ पे देख लेते हैं हाल मार्किंग थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कवर कर रखा है ठीक है गवर्नमेंट ने बोला कि भाई प्योरिटी बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है हमारा वो प्योरिटी नहीं होती आप लेने जाते हो कि वो उतना प्योर नहीं होता आपको ट्वेंटी टू कैरट है जी दे के बेचती है उसके अंदर कॉपर ज़्यादा इन्वॉल्व है जो कुछ भी है है ना हाल मार्किंग ऑफ गोल्ड इसलिए ज़रूरी है तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए हाल मार्किंग जो स्कीम है मेनली ये ऑपरेट करते हैं ये किसको गारंटी देता है प्योरिटी की तो यहाँ पर कौन कौन से मेटल कवर हैं तो यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी है ना गोल्ड ज्वेलरी यही दो चीज़ें हैं ओनली टू मेटल अभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया के अंदर एग्जैम्पन क्या है जो हमने बताया जैसे मान लो अपने ज्वेलरी चाहिए कोई एग्जीबिशन के लिए वहाँ पे उसको अपने हॉल मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा वॉचेज़ फाउंटेन पेन वगैरह यहाँ पर गोल्ड का यूज़ होता है ज्वेलरी सचेज कुंदन वगैरह ये भी एग्जैम्प्ट है हॉल मार्किंग से तो ये भी उसके अंदर मैंडेटरी वगैरह कुछ वहाँ पर नहीं है उसके अलावा क्या अगर मान लो कोई ज्वेलर है है ना वो इसका कंप्लायंस नहीं करता क्या उसके ऊपर पेनल्टी है अभी के लिए पेनल्टी नहीं है अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए ठीक है तो उसके बाद क्या इसको एक्सटेंड करते हैं वो देखेंगे हम ठीक है जी ओके क्या सारे ज्वेलर के लिए अप्लाई है नहीं एनुअल टर्न ओवर अप टू फोर्टी लैक है वहाँ पर तो उनको एक्जैम्प्ट किया गया मतलब आपने इतना समझना है कि सारे के लिए नहीं बस इतना याद रखना उसके अलावा जैसे 22 कैरेट 18 कैरेट 14 कैरेट अब गवर्नमेंट बोल रही है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए भी इसको एक्सटेंड करेंगे ठीक है जी उसके अलावा ये आपकी पिक्चर है यहाँ पे ऐसा होता है लोगो लगा होता है बी आई एस का ठीक है जी तो ये हमने ध्यान रखना है ठीक है जी ओके सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों रश्मिता ने बोला ए आयुषी का आंसर है बी विच अमंगोइंग कंट्रोल ऑफ बारकोड इन इंडिया फर्स्ट है बी आई एस जी एस वन इंडिया थर्ड है नेटरिप फोर्थ है एनपीसीआई बी डी ए सी चलिए आंसर देख लेते हैं है ना तो आंसर इसका जी एस वन इंडिया है। ठीक है जी एग्जाम के अंदर आपने थोड़ा सा कन्फ्यूज़ नहीं होना इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें यूपीएससी पूछती है इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है जी एस वन इंडिया देखो एक है जी एस वन ठीक है ये बेसिकली अगर हम बात करें बार कोड क्यू आर या आर एफ आई डी इंटरनेशनल के अंदर वहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो हैंडल करती है इंडिया के अंदर जी एस वन इंडिया स्टैंडर्ड बॉडी है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और बाकी जो मेंबर्स हैं जैसे सी आई फिक्की के मेंबर्स हो गए या पेड़ा के मेंबर ये सारे मिल के यहाँ पर इसके मेंबर बनते हैं अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट है ठीक है उसका ही अफिलिएटेड है जो ग्लोबल बॉडी है उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये किससे डील करती है बार कोड ठीक है जहाँ पे किसी भी जगह पे आप उसको स्कैन कर सकते हो इसके अलावा जो बार कोड्स हैं क्यू आर कोड आर एफ आई डी उससे यह डील करती है ठीक है दोस्तों चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है एन पी सी आई एंश्योर्स द डेटा सिक्योरिटी इन केस ऑफ आर एफ आई डी फास्ट टैग सेकेंड मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी तो ऑप्शन वही है आपके वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नन ऑफ दी दब आयुष ने बोला सी जो आए बोल रहे हैं बी सी बोल रहे हैं चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट भी अपनी ठीक है तो यहाँ पे आंसर है सी तो ये हमने किया भी था एन क्या है आई आर इंडियन बैंक एसोसिएशन वगैरह यहाँ पर इन्होंने पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए ये एक्ट के अंदर यहाँ पर काम करता है मेनली नॉट फॉर प्रॉफिट है यू ने बहुत बार पूछ लिया इसके इसीलिए इस इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं फोकस भी नहीं करता लेकिन हाँ बार कोड वगैरह उसका जी एस वन इंडिया ये बॉडी इंपॉर्टेंट है ठीक है जी अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स टू फोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज डिफाइंड एज एनी हाउसिंग प्रोजेक्ट वेर इन हाउसिंग यूनिट डू नॉट एक्सीड टू हंड्रेड स्क्र मीटर रेरा कार्पेट एरिया सेकेंड द प्राइस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी लैख थर्ड गवर्नमेंट लॉन्च स्वामी फंड टू कम्प्लीट अनफिशी फिनिश्ड प्रोजेक्ट तो स्टेटमेंट ऑप्शन है वन ओनली वन एंड थ्री ओनली 2 and 3 only all of the above. the venture is and d okay ए बी बी ए बी बी आंसर बी जो है ने बोला ठीक है जी सही आंसर चलिए दोस्तों देखते हैं आंसर इसका फर्स्ट हमने ये किया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जरूर मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर अगर ऐसा आया तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर आएगा यूपीएससी के अंदर लेकिन हमने तो ये कवर कर रखा है ठीक है तो इसका आंसर क्या है वन एंड थ्री सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग क्यों रॉन्ग है अभी देख लेते हैं स्वामी फंड बनाया गया गवर्नमेंट को ठीक है जी ये फंड बेसिकली जो भी पहले अनफिनिश जो फिनिश नहीं हुए प्रॉपर है ना प्रोजेक्ट उनके लिए ये अलग से एक फंड बनाया गया ताकि वहाँ पे पैसा डाल के उनको कवर किया जाए अब यहाँ पे कैटेगरी टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर है अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है सेवनटीन्थ मई ये टॉपिक मैंने कवर किया था वहाँ पे ए को बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने समझाया हर एक के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या फंड्स हैं और इनका मीनिंग क्या है ये आप अगर देखना चाहते हो तो सेवनटीन मई को देख लेना ठीक है जी उसके अलावा अगर बात करें तो ये सारा वहाँ पर किया है यहाँ पर आते हैं अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट का मीनिंग है पहला तो ये एनी हाउसिंग जो 200 हंड्रेड स्क्वेयर मीटर रेरा कारपेट एरिया से ज़्यादा है एंड प्राइसड एज बिलो अब यहाँ पे एंड है ठीक है मतलब कि अगर वो मान लीजिए मुंबई के मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर है तो यहाँ पे लेस देन टू करोड़ होना चाहिए अलग अलग है हमें अमाउंट नहीं याद रखनी बस इतना याद रखना है रीजन वाइज ये चेंज होता है लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन के अंदर जाऊँ इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने ऑनली लिखा होता है यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट अपनी हो सकता था गलत हो जाए यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिसाब से सोचता है लेकिन टेक्निकली ये स्टेटमेंट गलत होती फिर क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन भी हैं अमाउंट भी है उसके अंदर इन्वॉल्व ठीक है जी तो यहां पे ओनली नहीं था तो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay. उसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए रेड नोटिस इमिनेंट थ्रेट ब्लैक नोटिस मिसिंग पर्सन येलो नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन भारतीय का आंसर है बी ए है दुर्गेश बी बोल रहे हैं देवेंद्र ने डी आंसर बोला है का आंसर भी डी है देखो मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ जब भी आप कोई क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आप पढ़ते हो है ना उसको तो जो लाइव like चैट है उसको क्लोज़ कर दिया करो उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा आपने या फिर उसके ऊपर हाथ रख लिया करो तो आप क्वेश्चन पढ़ा और पहले आंसर डिसाइड करो उसके बाद आंसर लिख दो यहाँ पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन यहाँ पर जो भी आप गलत करोगे वो एग्ज़ाम में आपको पॉजिटिव मार्किंग के अंदर लेके जाओगे उसको बस बस इतना आपने ध्यान रखना है दोस्तों ओके चलिए सुभाष टी बोल रही है ठीक है तो आंसर है नन ऑफ दी ननोहिभा अब ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लगता है ईजी है लेकिन ये ट्रैप करने के लिए है ट्रैप इन देंस कि क्योंकि कोई भी हम जब सिग्नलिंग पढ़ते हैं है ना मान लीजिए आपने ग्रीन पढ़ा है देन येलो रेड है ना रेड का मतलब क्या होता है बस इमीनेंट मतलब अर्जेंसी इसीलिए यहाँ पे रेड नोटिस यहाँ पे इमीनेंट थ्रेट जब ये ऐसी चीज़ दिखती है तो हमें टेक्निक अगर हम कॉमन सेंस के थ्रू जाएँ तो हमें लगता है ये वाला तो ठीक है पहला वाला लेकिन यहां पे अगर हम जाएं रेड का मतलब है वांटेड पर्सन ठीक है जी जो इमिनेंट थ्रेट है वो है ऑरेंज नोटिस मतलब जो ऑफिशियल साइड के अकॉर्डिंग ही ये पिक्चर है तो ये पिक्चर ही आपको याद करनी है एटलीस्ट येलो का मतलब मिसिंग पर्सन अब वहां पर एक और था ब्लैक नोटिस तो ब्लैक नोटिस का अगर आप कलर के हिसाब से जाओगे आपको लगेगा मिसिंग कुछ चीज होगी उसके साथ रिलेटेड होगा लेकिन नहीं ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी है मिसिंग पर्सन येलो नोटिस है यहीं से कन्फ्यूज़ किया गया तो उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिज़ाइन करके पहले रेड नोटिस लिखा उसके बाद कौन सा इससे बहुत ज़्यादा मैच करता है ये वाला वो उसके अंदर वहाँ पे ऑप्शन में डाला गया ऐसे यूपीएससी करती है इसीलिए हमने वही करना है क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अगर पाँच क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी होनी ज़रूरी है ठीक है जहाँ पे कोई बात नहीं प्रिया बोल रहे हैं कि माई एकुरेसी लेवल इज वेरी लो ये स्किल है आंसर कोई ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर भी दे दोगे ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन अगर बहुत सारे अगर आप स्टूडेंट देखोगे उनको ऐसा हो सकता है क्वेश्चन के बाद एक या दो ऑप्शन उसमें से कुछ एक आधा आता हो तब भी उनका आंसर निकल जाता है क्यों क्योंकि ये बहुत बार जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की तभी ये पॉसिबल है ठीक है जी प्रिय तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है अगर मुझे याद है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो मार्च के अंदर जब हमने स्टार्ट किया था काफ़ी इशू आ रहे थे उनको लेकिन अब उनके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई विद द टाइम तो आपको क्या करना है यहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और डिसिप्लिन रखना है बाकी आपको क्या नहीं आता क्या कुछ नहीं उसको आप ही जाओ ठीक है उसको उसकी टेंशन नहीं लेनी लेकिन आपने जो एक प्रोसेस है उसको फॉलो करते जाना है उसके बाद तीन महीने बाद अपने आपको देखना है कि मैंने कितना इम्प्रूव किया आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा उसके अंदर लेकिन आप अगर मान लीजिए रोज़ पढ़ते हैं उसके बाद डर भी लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा ये नहीं मेरे सॉल्व हो रहा उसकी चिंता नहीं करनी जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा उसको पॉजिटिवली लेना है कि भाई ये वाला अगर एग्ज़ाम के अंदर ऐसी मैं गलती नहीं करूँगा अगर ऐसा चीज़ आई तो मैं एग्ज़ाम के अंदर इसको ठीक कर दूंगा तो अगर जैसे इंटरपोल नोटिस के ऊपर है अगर ये क्वेश्चन है अब हो सकता है चांसेस कि आपके ज़्यादा ठीक होने के कि अगर वहाँ पे ठीक हो जाए लेकिन पहले अगर इस क्वेश्चन को मैं नहीं कवर करता आप नहीं गलत करते हो सकता है एग्जाम के अंदर भी ये गलत होता तो ये आपने ध्यान रखना यही पर्पज़ है मुझे पता है सुन ठीक है जी ओके तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना और रिवीजन करो मैं बार बार यही कहता हूँ जो आपके पास है उसी के ऊपर आस है ठीक है और जो उस जिसने पढ़ लिया वही पास है <laughs> देखो क्या बन गया है ना तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि उसी को पढ़ो उसी को रिवाइज़ करते जाओ बार बार बस आपने प्रोसेस फॉलो करनी है मैंने पाँच बार इसको रिवाइज़ करना है मुझे नहीं पता मुझे पहले कितना याद है अब कितना है बस मुझे इतना पता है पाँच बार रिवाइज़ करके उसके बाद मैं देखूँगा मुझे क्या नहीं आता ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच